बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस को विधायकों को खरीद फरोख का डर सता रहा है, विधायकों को बाहर ले जा सकती है कांग्रेस। सीएम भूपेश बघेल भी हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से बता रहे हैं, जहां अब कांग्रेस को विधायकों के खरीद फरोख का डर सताने लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को, जीते हुए प्रत्याशियों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल में कांग्रेस 39 सीटों के साथ आगे चल रही है, इसके अलावा बीजेपी 26 सीटों पर काबिज है। तो हिमाचल के विधायकों को छत्तीसगढ़ नहीं ले जाएंगे, ऐसा कहना है सीएम भूपेश बघेल का। तो हिमाचल के जीते हुए सभी कांग्रेस के विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई। हिमाचल में सरकार बनने के बाद कांग्रेस अब मंथनों का दौर शुरू हो गया है कांग्रेस का, और इसी कड़ी में कांग्रेस के जीते हुए विधायकों को अब चंडीगढ़ बुलाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई। तो कांग्रेस 37 सीटों पर आगे है, साथ ही बीजेपी 28 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल भी हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं, इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा भी हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए बता रहे हैं। तो शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस को विधायकों को खरीद फरोख का डर सताने लगा है, विधायकों को बाहर ले जा सकती है कांग्रेस। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल भी हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं, इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा भी हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। कांग्रेस के जीते सभी प्रत्याशियों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस 39 सीटों के साथ आगे चल रही है, साथ ही बीजेपी 26 सीटों पर काबिज है। तो बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए बता रहे हैं आपको। 68 में 39 सीटों पर कांग्रेस है और 26 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है।